तो भाई आज फाइनली दिन आया कि भाई ये गाड़ी जो है ना, जिसको मैं इतने महीनों से यूज़ कर रहा हूँ भाई, इसको भी थोड़ा अच्छा फील होगा। वो क्यों होगा भाई? एक चीज़ तो मैंने अपनी ये गाड़ी ना पिछले कोई 3-4 महीने से ना पानी छुआ तक नहीं है इस गाड़ी को। बस जो बारिशें हुई है ना, बस वही हुई है। और पिछले 4-5 महीने से ना ये गाड़ी ना अंदर से धुली है ना धुली है ये बाहर से। तो फिलहाल आज मैंने डिसाइड करा है कि भाई इसको आज धुलवाएंगे अच्छे से, और देखते हैं किन रेट्स पे क्या क्या होगा। मैं तो अच्छा, फिर ना अंदर से बात आती है ड्राई क्लीनिंग की। भाई मैंने पता करा, एक तो ड्राई क्लीनिंग पता नहीं किस चीज़ की होती है, कैसी ड्राई क्लीनिंग करते हैं ये, होती वो सारी वेट है ठीक है। धोएंगे इस गाड़ी को अंदर से, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह अच्छे से मतलब साबुन लगा के रगड़ रगड़ के धोते हैं, और उसको नाम दे दिया वो इन्होंने ड्राई क्लीनिंग। और उससे मैंने एक वीडियो भी देखी थी भाई यूट्यूब पे, और उस वीडियो में ये था कि भाई ये जो ये होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो चलो ये तो इसका है ही डिजिटल है, ये भी खराब होने के चांसेस है और ये भी खराब होने के चांसेस है। तो भाई ड्राई क्लीनिंग का तो पहले मैं उनसे पूछूंगा कि भाई क्या सिस्टम है, कितने पैसे हैं। और ड्राई क्लीनिंग मैंने अपनी लिटरली अपनी आंखों से होती हुई देखी है भाई, गाड़ी के साथ इनजस्टिस है मेरे ख्याल से ड्राई क्लीनिंग। तो फिलहाल मैं आपको ना पहले उतर के बाहर से गाड़ी की कंडीशन दिखाऊंगा कि भाई बाहर से क्या कंडीशन है, अंदर से तो मत पूछो भाई। हर जब मतलब 4-5 महीने से गाड़ी को साफ करा ही नहीं है, तो फाइनली आज करवाऊंगा यार। और आपको ही पता चलेगा कि भाई साफ करवाने का मतलब क्या मायने रखता है ठीक है, साफ गाड़ी साफ करवाना। फिलहाल पहले चलते हैं, फिर आगे दिखाता हूँ मैं आपको, बाहर से ना उतर के गाड़ी दिखाता हूँ, आप लोग देख के शौक हो जाओगे भाई ये बुरी हालत हो गई, स्क्रैचेस ये वो ठीक है। फिर जो मड गार्ड है उसके ऊपर मिट्टी मिट्टी, जो फेंडर की इनर लाइनिंग है उधर भी मिट्टी मिट्टी, मतलब बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। फिलहाल यहाँ पे लेकर के मैं आ गया हूँ कार वॉशिंग, और भाई इतना गंद था ना, इतना गंद था भाई। सीट्स की हालत देखो, ये देख रहे हो भाई, मिट्टी हो चुकी है पूरी की पूरी। मतलब ये तो ऐसे है कि बिना वेट कपड़े लगे ये देख सो, देखो भाई मतलब ये है ब्लैक सीट्स और ये हो चुकी है भाई पूरी वाइट, पीछे की बहुत बुरी हालत है। ये देखो भाई बहुत बुरी हालत है, तो ये भी पूरा करवाना है। और पीछे आप देखो हालत, ये देखो ये ब्लैक पूरा वाइट हो चुका है, देख रहे हो मतलब इतनी बुरी हालत है। तो आज फाइनली भाई गाड़ी को धुलवाना ही पड़ेगा, मतलब धुलवाना तो है ही है। अभी सामने भाई वो चल रहे हैं वैक्यूम लगा करके पूरा साफ कर रहे हैं, तो पूरी आज भाई गाड़ी की मरम्मत कराऊंगा पूरा अच्छे से ना, पूरा करके सब कुछ सेट करके फिर ही। तो भाई अभी आगे कर रही है, और बहुत बुरी हालत थी यार, बहुत बुरी हालत थी। तो फिलहाल आज तो हो ही जाएगी साफ पूरी की पूरी ना। फाइनली यहाँ पे वॉशिंग हो रही है, और मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी है कि भाई बाहर से वॉशिंग करवाने का ना फायदा है भाई, बहुत अच्छी डिटेलिंग से ना बाहर वॉशिंग होती है एज़ कम्पेयर टू कंपनी। भाई एक तो वो शैम्पू बहुत कम मारते हैं कंपनी वाले, और यहाँ पे 3-3 बंदे लगते हैं आपकी एक गाड़ी को साफ करने में। और बाहर से अगर आप कंपनी से कराते हैं भाई एक बंदा करता है, और वो भी ढंग से नहीं करता यार। तो बाहर से तो भाई कराने का फायदा है, देखो भाई मेहनत से करते हैं यहाँ पे वॉशिंग। 4 महीने के बाद धुल रही है भाई, 4 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं 4 महीने के बाद। और एक और चीज़ है भाई कि इंजन बे में आपको करवाना चाहिए प्रेशर वॉश की नहीं, तो मैंने इसको बोला भाई प्रेशर वॉश तो नहीं चाहिए, अब करने लगा भाई इंजन बे में, तो मैंने बोला बहुत नॉर्मल नॉर्मल सा चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ ऊपर ऊपर से जहाँ पे कंकड़ पत्ते वगैरह गिरते हैं ना सिर्फ वहाँ से, तो इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होता भाई। इंजन बे में प्रेशर वॉशिंग तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता भाई। मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे ब्रश से साफ करते हैं आपकी गाड़ी, मतलब जो ब्रश होता है ना उससे साफ करते हैं पूरी, जो ब्लैक क्लैडिंग होती है विदाउट ब्रश नहीं करते, मतलब बाहर इतनी डिटेलिंग होती है यार, सही चीज़ है। ये देखो भाई सीट्स पहले वाइट हो चुकी थी पूरी, और अब इन्होंने इनको पॉलिश मारा है बाहर, शैम्पू पॉलिश दोनों, और अब ब्लैक हुई हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी यार गाड़ी की, बहुत ही ज़्यादा बुरी। ये
ये देखो अब यहाँ पे भाई वॉशिंग इसकी पूरी हो चुकी है कंप्लीट। भाई क्या फीलिंग आ रही है गाड़ी के अंदर बैठ करके, बिल्कुल नई जैसी। मतलब मैंने कंपनी से इसको हमेशा वॉश करवाया, मतलब जब सर्विस होती है या फिर ऐसे भी वॉश करवाना होता है, रेनो के सर्विस स्टेशन जाओ वहाँ से वॉश करवाओ। लेकिन भाई आज एक बात पता चली, वॉश करवाओ तो बाहर से करवाओ, कंपनी से तो भाई भूल जाओ। कंपनी वाले फॉर्मेलिटी करते हैं भाई, सिर्फ कंपनी वाले ये तक नहीं डाल के देते भाई मैट्स। और कंपनी में एक एक बंदा लगता है भाई अकेला, वो पूरी गाड़ी करता। लेकिन यहाँ पे जब बाहर से कराते हो ना, मतलब सेठ वाली फील आती है, जो आप बोलोगे भाई वो वही करेंगे। अभी ध्यान से मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, एक चीज़ ध्यान से नोटिस करना भाई, ड्राइवर की जो ब्लैक क्लैडिंग है ना, इस साइड साइड की ब्लैक क्लैडिंग भाई, ये जो है ना, ये कभी आज तक ज़िंदगी में साफ़ नहीं हुई थी मेरी। अगर आप वो भी देखोगे ना भाई, एक वीडियो है मेरी, वो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, वो वीडियो है, उस पर है, मतलब 3 साल का मैंने जो है, 2 साल का मैंने जो है भाई अपना ओनरशिप रिव्यू दिया है ड्राइवर का। उसमें मैंने ये बात बोली थी भाई, इनकी जो ब्लैक क्लैडिंग है बड़ी गंदी क्वालिटी की है, मैं जितना मर्जी रगड़ के साफ़ कर लूँ कभी भी ब्लैक नहीं होती। और भाई दोपहर को मैंने साफ़ करवाई थी, अभी शाम हो चुकी है, देख लो भाई शाम हो चुकी है इस टाइम पे, और चला भी चुका हूँ मैं सिटी में गाड़ी। और भाई क्लैडिंग की क्वालिटी देखो भाई, बिल्कुल ब्लैक, मतलब जो फेड हो जाते हैं ना, ब्लैकनेस जो फेड हो जाती है भाई, वो बिल्कुल भी फेड नहीं हुई अब तक, वो अभी तक पूरी की पूरी जो है ब्लैक क्लैडिंग बनी हुई है अब तक गाड़ी पर, ठीक है। मतलब यहाँ से देख लो कलर वगैरह, ये देखो बिल्कुल ब्लैक चमक रही है बिल्कुल। मतलब बाहर से साफ़ करवाने का फ़ायदा ये होता है, और अंदर से साफ कर, मतलब साफ करने में तो कोई फायदा नहीं दिखता भाई अंदर से, और बिल्कुल चमक रही है ब्लैक क्लैडिंग देखो। फिर ऊपर से एक और चीज़ देखी भाई, ये ब्लैक क्लैडिंग ना वो अच्छे से ब्रश से रगड़ रगड़ के साफ करते हैं, तो ये चीज़ तो मैंने भाई कंपनी में कभी भी नहीं देखी। और भाई ज़रूरत है, मैं तो कहता भाई मंथ में ना एटलीस्ट एक बार जो है अपनी कार को ऐसा वॉश ज़रूर दो, पेंट की क्वालिटी अच्छी रहेगी। भाई मैंने तो इसको 4-5 महीने से धोया तक नहीं था, इतनी बुरी हालत थी इसकी, तो फिलहाल आज जा करके जो है ये ठीक हुई है।